की बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। कई मसलों को लेकर इसमें चर्चा जो है वो की जा रही है, जिसमें 12 दिसंबर को होने वाली रैली भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है। 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई रैली समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। अजय माकन और डोटासरा भी बैठक में मौजूद हैं और सभी मंत्री जिलेवार अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। बारह दिसंबर को होने वाली महंगाई रैली समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जो है वो की जा रही है। अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी बैठक में मौजूद हैं। सभी मंत्रियों से जिलेवार रिपोर्ट जो है वो दी जा रही है। सुशांत बारिक जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या कोशिश है इस मीटिंग के जरिए और क्या जानकारी अभी मिल पा रही है, कितनी देर मीटिंग अभी चलने वाली है? देखिए सुमित, कोशिश तो बिल्कुल सिंपल सी है, कैसे रैली को कामयाब बनाया जाए, कैसे बड़ी तादाद में जो है कार्यकर्ता रैली में पहुंचे जी। लेकिन रैली चूंकि राष्ट्रव्यापी है, देश भर से लोग आएंगे, तमाम तरह के इंतजाम करने होंगे, लिहाजा कई सारी कमेटियां बनाई जाएगी, किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी दी जानी है उस पर बात हो रही है। साथ ही जब मंत्री अपने अपने नए प्रभार वाले जिलों में गए हैं, किस तरह का फीडबैक उनके पास रहा है, जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, कितना बड़ा क्राउड जो है वो रैली में आएगा, इन सब मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। और इसके ठीक बाद अभी 2 बजे पीसीसी में भी एक बैठक होनी है, उस बैठक में अजय माकन नए सिरे से जो है संबोधित करेंगे सभी मंत्री विधायकों को, पीसीसी के पदाधिकारियों को, उसी बैठक में जो है अलग अलग कमेटियों की जिम्मेदारी सभी सौंपी जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर मंत्रियों को किस तरीके की जिम्मेदारियां जो है वो मिलने वाली हैं आने वाली इस रैली के मद्देनजर अगर समझा जाए, और साथ ही कोरोना को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है, इसे लेकर कोई अपडेट है? देखिए निश्चित तौर पे कोरोना को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन बड़ी चर्चा ये है कि ओमिक्रॉन के केस आ गए हैं, कोरोना के मामले बढ़े हैं, किस तरह की एहतियात बरती जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का जिम्मा, मास्क और सैनिटाइजर का जिम्मा जैसे सेवा दल को दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह का हो, वहाँ पर प्रोटोकॉल की पालना कैसे हो, इन सब मसलों को लेकर बातचीत हो रही है। क्योंकि अब रैली हो रही है, लिहाजा कांग्रेस चाहती है कि उसमें तमाम प्रोटोकॉल की पालना हो, जो भी कार्यकर्ता आए सभी को लगे कि हाँ तमाम इंतजाम यहाँ पर मौजूद है, बड़े नेता आएंगे उनके हिसाब से भी प्रबंध करना है, इन मसलों को लेकर सुनी बातचीत। चलिए बहुत शुक्रिया सुजान हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए।